हेलो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप रियल में एग्जाम में टॉपर रहना चाहते हैं तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर आप सही से पूरा समझेंगे तभी अपने एग्जाम में बेटर परफॉर्म कर पाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। सब्जेक्टेड थ्योरी एग्जाम के कंपैरिजन में एमसीक्यू एग्जाम मोर कन्वीनियंट होते हैं, बट इसका एक ड्रॉबैक है कि ये फुल कंसेप्ट वेस्ट होते हैं और इनमें करेक्शन या पॉसिबिलिटी की कोई भी गुंजाइश नहीं रहती। तो परीक्षा से पूर्व और परीक्षा के दौरान कौन से वो प्रिकॉशंस हैं जो आपको अपनी निश्चित सफलता के लिए फॉलो करनी चाहिए। टिप नंबर 1, टू बेटर स्ट्रेटजी फॉलो क्यूबियस स्टडी ऑब्लिक रिवीजन। ऑब्वियस है कि ये पैटर्न एमसीक्यू एग्जाम पैटर्न फर्स्ट टाइम बीएड एनुअल एग्जाम में इंप्लीमेंट हुआ है, इसलिए आपने अभी तक जो पढ़ा है उसकी रिवीजन के लिए क्विज बेस स्टडी करें। दैट मीन वन लाइनर नोट्स बनाएं। रिवीजन अत्यंत ही आवश्यक है जिससे आपका माइंड इस तरह के एग्जाम प्रिपरेशन के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हो पाएगा। टिप नंबर 2, वॉक स्टडी इज मोर बेटर देन सिट स्टडी। दैट मीन कि साइकोलॉजिकल रिसर्च में ये स्टडी प्रूव्ड हो चुकी है कि निरंतर एक स्थान पर बैठकर स्टडी की तुलना में वॉकिंग स्टडी मोर इफेक्टिव होती है। टिप नंबर 3, नॉट ओनली लर्न बट ऑल्सो राइट ऑन पेपर ऑनेस्टली विद नो चीटिंग। दैट्स मीन कि कम से कम 5 बार पेपर पर लिखने का अभ्यास करें। जो भी आपने लर्न किया है या रीडिंग किया है, इसके 2 साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स आपको होंगे। पहला कि आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में ये फैक्ट्स सेव हो जाएंगे, और सेकंड एग्जाम टाइम के क्विक रिवीजन के लिए आपके शॉर्ट नोट्स भी ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाएंगे। टिप नंबर 4, फॉलो P3 फॉर्मूला। दैट्स मीन प्रैक्टिस मेक्स पर्सन परफेक्ट। अभ्यास ही सफलता की कुंजी है, ये कहावत आपने जरूर सुनी होगी। आपके सामने पूरा एग्जाम शेड्यूल है, उसी के अनुसार अपनी स्टडी प्लान कीजिए। टाइमर लगाकर निर्धारित समय अवधि में अपना सेल्फ टेस्ट कंडक्ट कीजिए। इससे निसंदेह आप एग्जाम फोबिया से तो बचेंगे ही, साथ ही क्वेश्चन पेपर हाथ में मिलते ही एग्जामिनेशन हॉल में हड़बड़ाएंगे नहीं। टिप नंबर 5, शेयरिंग एजुकेशन टू इच अदर। स्टडी में मॉडर्न टेक्नोलॉजी का आज अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान है, इसलिए इसे जरूर यूज करें। सोशल मीडिया मैसेंजर्स प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट करके निश्चित फिक्स समय पर ग्रुप डिस्कशन से अपनी रिवीजन को शार्प करें। टिप नंबर 6, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, बी रिलैक्स्ड। साइकोलॉजिकल स्टडी में ये प्रूव्ड हो चुका है कि विद्यार्थी को एग्जाम से पूर्व रिलैक्स्ड भी होना चाहिए। तो कैसे? एग्जाम से एक दिन पूर्व क्या करें? फर्स्ट वन, पूरे दिन रिलैक्स्ड रहें। सेकंड वन, अपनी फेवरेट चीजें करें, जैसे मनपसंद सॉन्ग सुनना या मनपसंद भोजन इत्यादि करें, वॉक पे जाएं और रात में भरपूर नींद लें। अगले दिन प्रातः 4 बजे से अपनी स्टडी रिवीजन स्टार्ट करें। इसका ये बेनिफिट होगा कि एग्जाम हॉल में आप रिफ्रेश रहेंगे। साइकोलॉजिकल रिगार्डिंग आंसर्स आपको माइंड में ऑटोमेटिकली रिकॉल होंगे और आपको इसके लिए स्पेशल एफर्ट्स भी नहीं लगाने पड़ेंगे।